राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शुक्रवार को जयपुर के सरकारी सवाई मानसिंह अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हुई। डॉक्टरों के अनुसार वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें 2-3 दिन आराम की सलाह दी गई है। SMS और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की 3 मुख्य धमनियों में से एक में 90% ब्लॉकेज मिला। उनकी एक धमनी की एंजियोप्लास्टी हुई है, एक धमनी में स्टेंट लगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के प्रवक्ता ने ट्वीट कर बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक की गई है। गहलोत ने ट्वीट में कहा कि कोविड के बाद मुझे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही थीं और गुरुवार से मेरे सीने में तेज दर्द हो रहा था। अभी सवाई मानसिंह अस्पताल में अपना CT एनजीओ करवाया है, एंजियोप्लास्टी की जाएगी। CM के स्वास्थ्य को लेकर राजस्थान से MKN के संवाददाता गौरव गुप्ता ने मंत्री भंवर सिंह भाटी से की खास बातचीत। हुई है, बहुत सफल हुई है। डॉक्टरों की राय है कि विकल्प वो पूरी तरह से ठीक है। ईश्वर से, भगवान से ही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर के आए। राजस्थान के की 8 करोड़ जनता की दुआएं उनके साथ है और अशोक गहलोत जी जल्दी से ठीक होकर के राजस्थान की जनता की फिर से सेवा करें। ये आम आदमी, हर व्यक्ति ये भगवान से ही कामना कर रहे हैं। सर, तो अभी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है जैसा डॉक्टर्स ने बताया है और उन्होंने खुद भी ट्वीट भी किया है, पूरी जांच हो गई है, एंजियोप्लास्टी हो गई है और सफल एंजियोप्लास्टी हुई है। थोड़ा रेस्ट तो रहता ही है निश्चित रूप से, लेकिन जल्दी से जल्दी वो शीघ्र स्वस्थ होकर के हमारे बीच में आए, यही कामना।